हेलो फ्रेंड, ये अराइज का इंडक्शन हमारे पास आया है, जिसमें देखते हैं अभी क्या दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले तो प्लग करते हैं, ऑन करते हैं। ये ऑन है और इसको टच ऑन भी हो गया। इसको बर्तन रख के देखते हैं, ये जीरो आ रहा है, क्या कर रहा है। ये ऑन हो गया, ये ऑन होता है और ये जीरो आ जाता है, ऑन होता है और ये जीरो आ जाता है। देखते हैं इसे ओपन कर दें, इसमें क्या फॉल्ट है। हमने इसको ओपन कर लिया, देखिए अब इसमें कितना कचरा, डस्ट ही डस्ट। सबसे पहले तो डस्ट को साफ करके देखेंगे, क्या पता डस्ट की वजह से तो ऐसा नहीं हो। जीरो वैसे बर्तन इधर ही आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी जीरो आने लगता है। थोड़ा देखना पड़ता है, देखो क्या डस्ट। सो फ्रेंड, इससे हमने ओपन कर लिया और सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज क्या कह रही है, सभी वोल्टेज प्रॉपर बन रही है। पे इसका लीड भी फॉल्ट हो सकता है, ये पूरा कटा हुआ है, इसको काट के जोड़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमने ये तार को जोड़ लिया है और अब प्लग करके ऑन करके देख रहे, बीप की आवाज़ आ गई, तो इसमें करंट आ गया। सबसे पहले इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं, 1000 वोल्ट की रेंज पे रख के इसको, कि डीसी कितना बन रहा है। 330 वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको, 330 वोल्ट बन रहा है, तो ये परफेक्ट है। हमारा 5 mFD का कंडेंसर जो लगा हुआ है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। और दूसरी सप्लाई हम देखते हैं इसका, 330, दूसरी 5 वोल्ट की सप्लाई और 18 वोल्ट की सप्लाई, 18 वोल्ट की 19 वोल्ट बन रही है। ये भी सप्लाई हमारा ओके है। और 5 वोल्ट की सप्लाई देख लेते हैं, 9 वोल्ट ये बन रहा है SMPS से। यहाँ पे 7805 लगा के यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा होगा, 5 वोल्ट ये भी ठीक है। इसका हम फ्लाईबैक वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो पल्स IC के लिए जाती है। यहाँ से तीन सौ तीस वोल्ट इस रेजिस्टेंस के आगे 148 हो गया, इससे आगे 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट IC को मिलना चाहिए, तभी जाके हमारा इंडक्शन की पल्स जनरेट होती है 2.5 वोल्ट। और ये सभी वोल्टेज मेरे हिसाब से ओके है। पे ड्रेन पे देखते हैं ये क्या कह रहा है, कोई PF इसका फुला हुआ तो नहीं है।
थोड़ा ड्राई जैसा दिख रहा है, इसको हम सोल्ड कर डिसोल्ड कर देते हैं। तीनों कैपेसिटर को हम रीसोल्ड कर देते हैं। इसमें कोई ऐसा ड्राई नहीं दिख रहा है जो लगा दिया हमने टेम्परेचर सेंसर और ये फैन की तार, और ये हमने कॉइल को बैठा दिया, और हम इसका पैनल ले लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, दोबारा चला के इसको देखते हैं क्या कहता है। तो फ्रेंड आपने देख लिया कि अभी ये इंडक्शन कट ऑफ नहीं हो रहा है, और ये प्रॉपर हीटिंग भी होने लगी है इसकी। ये डस्ट के वजह से भी ऐसा हो जाता है, या थोड़ा कैपेसिटर ड्राई रहता है उसके वजह से भी E0 आता है, कोई भी ड्राई सोल्ड होगा उसके वजह से आता है। तो इसमें कैपेसिटर का ही ड्राई सोल्ड था जिसको हमने सोल्ड कर दिया, अभी प्रॉपर हीट हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड।